जो पेशावर में यूनियन जैक को नीचे आते हुए और पाकिस्तान के फ्लैग को ऊपर जाते हुए, ये मैंने अपनी आंखों से देखा जी। पाकिस्तान मजबूत करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान बायोग्राफी की नई वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। हमारी आज की वीडियो का मौजू जो शख्सियत है उनका नाम है रोएदाद खान। रोएदाद खान पाकिस्तान की तख्लीक के वक्त मौजूद थे और अल्लाह इन्हें हमारे साथ मजीद कई साल अता फरमाए। वो पाकिस्तान की सियासी तारीख के आखिरी बकिया बुनियादी गवाह के तौर पर 100 साल के हो चुके हैं। उन्होंने ये सब देखा है और हर जाविये से इसमें हिस्सा लिया है। पाकिस्तान के लिए उनके जज्बे की कोई हद नहीं है और पाकिस्तान की मौजूदा हालत से उनकी गहरी मायूसी देखने में बहुत तकलीफ देह है। रोएदाद खान एक पाकिस्तानी सियासतदान और रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम हैं जो एक नौजवान जिलाई मुंतजिम के तौर पर अपने आगाज से लेकर कई मुस्तकिल आइनी इदारों के सरबरा, काबीना के वजीर, वज़ीर आला के तौर पर अपने पेशे में हर मरहले तक मुल्क की खिदमत की। कई सदूर और वज़राए आज़म के सियासी मशीर और 3 दहाइयां कबल अपनी रिटायरमेंट के बाद से उन तमाम लोगों के लिए सियासी अलम बरदार और सरपरस्त जो हमारे प्यारे मुल्क के मुस्तकबिल की फ़िक्र और खौफ रखते हैं। आइए नज़र डालते हैं रोएदाद खान की इब्तदाई ज़िंदगी पर। रोएदाद खान 28 सितंबर 1923 को मर्दान के एक छोटे से गांव शुमाल मगरबी सरहदी सूबे बरतानवी हिंदुस्तान में यूसुफ जई कबीले के एक नस्ली पश्तून ख़ानदान में पैदा हुए। उन्होंने साल 1939 में मुकामी हाई स्कूल से ग्रेजुएशन किया और फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज जाने के लिए गए। 1942 में अंग्रेज़ी अदब में बीए किया। कॉलेज का माहौल आज़ाद, रवादार और तरक्की पसंद था। अपने वालिद की ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए रोएदाद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और साल 1946 में अंग्रेज़ी तारीख में एमए किया। मर्दान वापसी पर खान ने इस्लामिया कॉलेज पिशावर में तारीख पढ़ाई और साल 1947 में पाकिस्तानी शोहरियत का इंतखाब किया। वो सर्द जंग के आगाज से आखिर तक पाकिस्तान की एक सरकर्दा शख्सियत थे। अपने तवील पेशे के दौरान खान पाकिस्तान के सबसे सीनियर सरकारी मुलाजमीन में से एक थे। उन्होंने साल 1949 में पाकिस्तान की सिविल सर्विसेज में शमूलियत इख्तियार की और कई तकरीरियां की जिनमें चीफ सेक्रेटरी सिंध, चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा, मैनेजिंग डायरेक्टर पीटीवी, पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, सेक्रेटरी वजारत मेहनत, सेक्रेटरी वजारत सियाहत, सेक्रेटरी दाखिला पाकिस्तान शामिल हैं। सेक्रेटरी जनरल वजारत दाखिला, वफाकी वजीर एहतसाब और वजीर आजम पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान के मशीर भी शामिल हैं। वो 28 सितंबर 2023 को 100 साल के हुए। अगर सिविल सर्विस में उनके पेशे की बात की जाए तो खान ने सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज की एलीट पाकिस्तान 1949 में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसे पहले DMG कहा जाता था, में शमूलियत इख्तियार की और साल 1951 में अपने कैरियर का आगाज किया। उनका कैरियर अरूज पर था जब उन्होंने पाकिस्तान के चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल जियाउल हक के साथ खिदमत अंजाम दी जो मुल्क की दाखिली सलामती के जिम्मेदार थे, जबकि अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन की फौजी मदाखलत को सबोताज करने के लिए इंटेलिजेंस की कोशिशें की गईं। खुफिया एस्टेब्लिशमेंट को बढ़ाने के लिए जनरल जिया की पॉलिसी का एक हिस्सा खान उनके एलीट मेंबर के तौर पर काम करते थे। कम्युनिज्म के जवाल के बाद खान बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान की सियासत और सिविल सर्विसेज से रिटायर हो गए और मौजूदा तौर पर एक सियासी तज्जियाकार बन गए। सेक्रेटरी जनरल के अहदे पर तैनात होने से कबल वो पाकिस्तान के सेक्रेटरी दाखिला के अहदे पर फायज थे। वो पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल बन गए। पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी में सबसे आला अहदा ये था। खान सदर जनरल जियाउल हक और सदर गुलाम इसहाक़ खान के दौर में बड़े अवामी ओहदों पर फायज रहे थे। वो 3 किताबों के मुसन्निफ भी हैं। अपने तवील कैरियर के दौरान खान ने पाकिस्तान के 5 सदूर के साथ खिदमत अंजाम दी, यानी मोहम्मद अयूब खान, याहिया खान,
फजल इलाही चौधरी, मोहम्मद जियालक और गुलाम इसहा खान। उन्होंने पाकिस्तान के तीन वज़राए आज़म के साथ खिदमात अंजाम दी, जिनमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहम्मद जुनेजू और नवाज शरीफ शामिल हैं। सियासी तौर पर रुईदाद खान को सिर्फ एक ही मोहब्बत थी, जो कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। वो पाकिस्तान के बानी बाप थे, जो बिलाखिर इस नतीजे पर पहुंचने पर मजबूर हुए कि इसकी तख्लीक ही मुसलमानों को सियासी निजात के लिए वाहिद मुमकिन रास्ता है। कायद की उर्दू जो थी वो पख्तूनों की उर्दू से भी कमज़ोर थी। अच्छा, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या कह रहा है पख्तून। वो कहते थे ये जो कुछ भी कह रहा है ठीक कह रहा है। रुईदाद खान कहते हैं कि जिन्ना ने पाकिस्तान को एक जदीद, तरक्की पसंद, जमहूरी मुल्क के तौर पर तसव्वुर किया था, जो अपने इब्तदाई दौर के हकीकी मुतहरिक कदीम इनकलाबी इस्लाम से मुतासिर होकर इसकी हौसला अफजाई करते थे। मसावात परस्ती, समाजी इंसाफ और एहतसाब पर जोर देने के साथ साथ ये सब इसमें शामिल था। हमारे हुक्मरानों, अशराफिया और उनके गैर मुल्की अकाओं ने कायद की वसीयत का जो मजाक उड़ाया, उस पर हर सांस के साथ रुईदाद खान 100 की उम्र में भी हम में से अक्सरियत की तरह मायूस और गमगीन हैं। वो अक्सर इसका इजहार अपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में करते रहते हैं। तो नाजरीन, ये थी रुईदाद खान के बारे में मुकम्मल मालूमात। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बाकी वीडियोस की तरह आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें। अपना फ़ीडबैक हमें कॉमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएँ और साथ ही साथ हमारे चैनल पाकिस्तान बायोग्राफी को सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत शुक्रिया।